दोस्तों भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का आगाज कल से होने जा रहा है, मगर इस दौरान फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले घमासान मुकाबले का है। यह मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत दौरे पर भी पहुंच गई है और हैदराबाद में टीम का जोरदार स्वागत भी हुआ, जिसे देखकर पाकिस्तानी फैंस भी गदगद हो गए और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी टीम के स्वागत के वीडियो भी वायरल हुए। मगर मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में टकराए उससे पहले ही मैदान के बाहर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच टकराव देखने को मिला है और फैंस ने इसकी जमकर आलोचना भी की है और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर बार की तरह बीसीसीआई से माफी भी मांगनी पड़ी है। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में मेजबान भारत समेत कुल 10 टीम उतरने वाली है और इसको लेकर 24 सितंबर तक पाकिस्तान को छोड़कर सभी टीमों को वीजा दे दिया गया था। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में पीसीबी के हवाले से यह बातें चलने लगी थी कि उन्हें भारत में वीजा देने में देरी कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान टीम की तैयारी में दिक्कत आ सकती है। 25 सितंबर की दोपहर तक यह खबर चल ही रही थी कि इसी शाम को पूरा मामला उलट गया और पाकिस्तान टीम को वीजा मिल गया, जिसके बाद पीसीबी ने माफी मांगते हुए कहा कि दरअसल उन्होंने ही वीजा अप्लाई करने में देरी की थी, उन्होंने 19 सितंबर को अप्लाई किया था। ऐसे में पीसीबी ने इतने कम समय में वीजा के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया और इस तरह भारत एक बार फिर हीरो बन गया और आखिरकार इस मामले में पीसीबी को माफी मांगनी ही पड़ गई। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।